गाइस ये स्लो मोशन वीडियो मैं टेन एटीपी टू पी एस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोनों ही वीडियोस में मेन सब्जेक्ट ओवर एक्सपोज हो रहा है तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है एसच फ्रेम्स तो स्किप नहीं होते हैं दोनों वीडियोस में कोई लैग भी नहीं है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी ठीक है डिटेल्स भी इनफ है बट सेवन ट्वेंटी पी फोर पे सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम दोनों ही वीडियो में डिटेल्स थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी और फ्रेम्स तो अभी भी स्किप नहीं होते हैं वीडियो में कोई लैग नहीं है वीडियो काफी स्मूद है बस डिटेल्स थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी तो क्या हाल है मेरे भाइयों का सब बढ़िया है ना गायस आपको याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम वन प्लस नाइन का कैमरा कंपेरिजन करा था आईफोन ट्वेल्व प्रो मैक्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैंने आपको बताया था कि वन प्लस के डिवाइसेज हमेशा से ही अपने फोन की परफॉर्मेंस के लिए और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी फेमस रहे हैं और जो लोग के डिवाइसेस यूज़ भी करेंगे लेकिन वो हमेशा से थोड़े एवरेज परफॉर्म करते आए हैं अब अगर वन प्लस को इंडिया में फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ऊपर के प्राइस सेगमेंट में फोन सेल करने हैं तो वन प्लस को पता है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ कंज्यूमर्स को कैमरा भी अच्छा चाहिए होता है तो वन प्लस ने के साथ और इस कोलेबोरेशन के बाद रियल लाइफ में कितना इंपैक्ट आया है ये तो आपको कैमरा कंपेरिजन देख के पता चल ही जाएगा बिकॉज वन प्लस नाइन प्रो का प्राइस तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो क्या आपको सिर्फ कैमरे के लिए अपग्रेड करना चाहिए वन प्लस एट प्रो से वन प्लस नाइन प्रो पे ट्रस्ट मी गाइस शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं वीडियो एंड तक देख लेना और एम करते हैं इस वीडियो पे सेवन थाउजेंड लाइक्स के लिए दिखा दो अपनी ताकत कर दो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर करना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं डे लाइट में फोर के थर्टी एफ पी एस पे वन प्लस नाइन प्रो से आप एट के वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो थर्टी एफ पी एस पे दोनों वीडियोज़ में कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है वन प्लस नाइन प्रो में थोड़ी सी कूल टोन है और वन प्लस एट प्रो में थोड़ी सी टोन देखने को मिली है दोनों वीडियोज में डिटेल्स इनफ है इवन आप टेक्स्ट की तरफ भी नोटिस कर सकते हो काफ़ी शार्प टेक्स्ट देखने को मिला है और एज सच कोई फोकस हंटिंग इशूज़ भी मैंने नोटिस नहीं करे हैं डे लाइट में ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है इनफेक्ट मैंने ये फ्लार के पास मतलब काफी क्लोज जाके सब्जेक्ट के फोकस लॉक करा तब भी तो फोकस दोनों ही फोन्स में भीली वर्क कर रहा है स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए दोनों ही फोन्स में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है मैं इस टाइम पे भाग रहा हूं और आप नोटिस कर ही सकते हो कि दोनों ही फोन्स की वीडियो स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है काफी इंप्रेसिव लगी है मुझे वीडियो स्टेबलाइजेशन गाइस मैक्रो शॉट्स में दोनों ही फोन के कैमरास काफी नेचुरल कलर्स ही कैप्चर करते हैं लेकिन इस सैंपल शॉट में फ्लावर का जो एक्चुअल रेड और व्हाइट कलर है वो स्लाइटली बेटर मेंटेन्ड है 9 Pro की इमेज में ये इमेज जब कैप्चर करी मैंने तो फ्लावर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और ये माइक्रोशॉफ्ट वन प्लस नाइन प्रो का देखने में ज्यादा इंप्रेसिव लगता है एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करा है नाइन प्रो ने वन प्लस एट प्रो में मेन सब्जेक्ट थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है इवन फ्लावर का जो पर्पल कलर है वो भी अगेन बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस नाइन प्रो में और इस इमेज को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो जो फ्लावर का टेक्सचर है और जो डिटेल्स है वो भी स्लाइटली बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस नाइन प्रो की इमेज में अब ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से दोनों कैमरास में एच मोड एनेबल करके डायनामिक रेंज चेक करने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों फोन के कैमरास डायनामिक रेंज काफी अच्छी कैप्चर कर लेते हैं स्काई के कलर्स दोनों ही पिक्चर्स में वेल well मेंटेन्ड है इवन डार्क एरियाज भी वेल well एक्सपोज्ड है

और टेलीफोटो लेंस से भी कैप्चर करे हैं एक्चुअली मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि वन प्लस प्रो में टेलीफोटो लेंस होने के बाद भी आप टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर नहीं कर सकते ये टू एक्स डिजिटल जूम का यूज करता है पोर्ट्रेट शॉट्स में वेर एस वन प्लस एट प्रो में थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम करके आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो और एक मेजर इशू है वन प्लस नाइन प्रो में कि चाहे आप प्राइमरी सेंसर से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करो चाहे टू एक्स डिजिटल जूम यूज करके कैप्चर करो कई बार डेप्थ इफेक्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है बैकग्राउंड में कुछ कुछ एरियाज ब्लर नहीं होते हैं OnePlus 8 Pro में डेप्थ इफेक्ट वर्क करता है और ये इमेज मैंने दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करी है दोनों ही पिक्चर्स काफी है लेकिन स्लाइटली डिटेल्स बेटर है बट ओवरऑल एजेस बेटर डिटेक्ट कर लेता है इमेज मैंने वन प्लस एट प्रो के थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम से कैप्चर करी है और नाइन प्रो के टू एक्स डिजिटल जूम से कैप्चर करी है और अब वन प्लस एट प्रो की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी वन प्लस नाइन प्रो की इमेज ज्यादा शार्प है और इस टाइम पे जो डेप्थ इफेक्ट है वो भी प्रॉपरली मेंटेन करा है वन प्लस नाइन प्रो ने तो ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते टाइम वन प्लस नाइन प्रो का जो कैमरा है वो थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है जिसकी वजह से पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे वन प्लस एट प्रो के ओवरऑल बेटर लगे हैं गाइज इन दोनों ही फोन्स में एट मेगा पिक्सल का टेलीफोटो लेंस है वन प्लस नाइन प्रो से आप थ्री पॉइंट थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हो वन प्लस एट प्रो से थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हो दोनों पिक्चर्स में जूम करने के बाद भी डिटेल्स इनफ है दोनों ही पिक्चर्स काफी शार्प है वन प्लस नाइन प्रो में थोड़ी सी कूल टोन देखने को मिली है और वन प्लस एट प्रो में थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिली है तो बस कलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है विल अल्ट्रा वाइड एंगल वन प्लस एट प्रो में फोर्टी एट मेगा पिक्सल का है और वन प्लस नाइन प्रो में फिफ्टी मेगा पिक्सल का है इस सैंपल शॉट में जो व्हाइट कलर की कार है वो दोनों ही पिक्चर्स में थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है लेकिन साइड बाई साइड कंपेयर करूं तो वन प्लस नाइन प्रो की इमेज में कार थोड़ी ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है बाकी दोनों ही फोन से आप काफी शार्प अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स कैप्चर कर सकते हो इवन दोनों ही कैमरास कलर्स को भी प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं कॉर्नर्स पे भी डिस्टॉर्शन बहुत ही कम देखने को मिली है इनफैक्ट दोनों ही कैमरास ने डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी कैप्चर करी है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फोर के थर्टी पे और सरप्राइजिंगली वन प्लस एट प्रो की वीडियो में नॉइस कम है वन प्लस नाइन प्रो की वीडियो में नॉइस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है अगर मैं प्राइस को कंसिडर करूं, तो मैंने बेटर वीडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी वन प्लस नाइन प्रो से दोनों ही वीडियोस सिमिलरली एक्सपोज हैं और दोनों ही वीडियोस में कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी नेचुरल है कोई भी वियर्ड सा ग्रीनिश टेंट या फिर वियर्ड से कलर्स देखने को नहीं मिले हैं और लो लाइट में कोई फोकस हंटिंग इश्यूज भी मैंने नोटिस नहीं करे हैं बस नॉइस कम होने की वजह से ओवरऑल वन प्लस एट प्रो की वीडियो क्वालिटी बेटर लगी है मुझे अब लो लाइट में मैंने ये सारी ही पिक्चर्स नाइट मोड मोडल करके कैप्चर करी है दोनों ही फोन के कैमरास काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं लो लाइट में फर्स्ट सैंपल शॉट में वन प्लस नाइन प्रो की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज आई है नेक्स्ट सैंपल शॉट में दोनों ही पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज आई है इवन इमेज को जूम करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ है लेकिन जो टेक्सचर है वो स्लाइटली ज्यादा शार्प है वन प्लस नाइन प्रो में लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग देखने को मिली है वन प्लस नाइन प्रो की पिक्चर्स में लो लाइट में इस सैंपल शॉर्ट में भी दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ है लेकिन आप नोटिस करोगे वन प्लस एट प्रो की इमेज में नॉइस काफी कम देखने को मिली है बिल्कुल ना के बराबर नॉइस है वन प्लस नाइन प्रो की इमेज में डिटेल्स स्लाइटली बेटर है थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग देखने को मिली है इवन वन प्लस नाइन प्रो की इमेज में नॉइज भी थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वन प्लस एट प्रो वेल इसल शॉर्ट में वन प्लस नाइन प्रो की इमेज बेटर एक्सपोज तो आई है लेकिन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करता है लोलाइट में वन प्लस नाइन प्रो का कैमरा बिकॉज आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि वन प्लस एट प्रो की इमेज में मेन सब्जेक्ट ज्यादा शार्प है डिटेल्स बेटर है फ्लैश ऑन करने के बाद मैंने नोटिस करा कि वन प्लस एट प्रो की फ्लैश थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है तो हाईलाइट्स थोड़ी सी बेटर मेनटेन्ड है वन प्लस एट प्रो की इमेज में लेकिन फ्लैश ऑन करते ही वन प्लस नाइन प्रो की इमेज में भी जो डिटेल्स है मेन सब्जेक्ट पे अब वो इनफ देखने को मिली है गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशन में टेन ए पी थर्टी एफ पी एस पे इन दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से आप फोर के वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते और इस बात से मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज दोनों फ़ोन्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है आप नोटिस करोगे इस टाइम पे ना डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे और वन प्लस नाइन प्रो एक्सपोजर बेटर एडजस्ट कर लेता है इवन मेरी टी शर्ट के जो कलर्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस नाइन प्रो में वन प्लस एट प्रो में मेरा फोर हेड थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है और टी शर्ट का कलर भी थोड़ा सा ब्लोन आउट हो रहा है बैकग्राउंड में आप नोटिस करोगे तो डायनेमिक रेंज दोनों ही फ़ोन के कैमराज काफ़ी एवरेज कैप्चर करते हैं प्राइस को कंसिडर करूँ तो मैंने बेटर डायनेमिक रेंज एक्सपेक्ट करी थी दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए दोनों ही फ़ोन्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है मैं अभी तो वॉक कर रहा हूँ लेकिन बेटर टेस्ट करने के लिए अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ और वीडियो स्टेबलाइजेशन तो दोनों ही फोन्स की मुझे काफ़ी अच्छी लगी है लेकिन डायनामिक रेंज बेटर होनी चाहिए थी गाइज ये सेल्फीज जब मैंने कैप्चर करी तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और वन प्लस नाइन प्रो की पिक्चर्स में थोड़ी सी ओवर मैंने नोटिस करी है मेरी टी शर्ट का जो ऑरेंज कलर है वो थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है वन प्लस नाइन प्रो में वन प्लस एट प्रो ने मेरी टी शर्ट के कलर्स को प्रॉपरली मेंटेन करा है इवन इमेज को जूम करने के बाद स्किन टोन्स भी बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस एट प्रो की इमेज में और ओवरऑल मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स भी बेटर देखने को मिली है वन प्लस एट प्रो में ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी और वन प्लस नाइन प्रो की इमेज लिटरली हेजी आई है इमेज में डिटेल्स ही नहीं है वन प्लस एट प्रो की इमेज में डिटेल्स इनफ है अब सेम सेल्फी मैंने पोर्ट्रेट मोड ऑन करके कैप्चर करी है अगेन वन प्लस नाइन प्रो की इमेज काफी हेजी आई है वन प्लस एट प्रो में मेन सब्जेक्ट पे तो डिटेल्स इनफ है लेकिन मैं नोटिस करूँ कि काफी ज्यादा स्मर्ज एजेस देखने को मिली है तो वन प्लस एट प्रो का ओवरऑल फ्रंट कैमरा एजिस डिटेक्ट करने में काफ़ी ज्यादा स्ट्रगल करता है लेकिन स्किन टोन्स अगेन ज्यादा नेचुरल है ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो वन प्लस एट प्रो में ही ज्यादा नेचुरल है वन प्लस नाइन प्रो में थोड़ी सी ओवर व्हाइटनिंग है कहीं कहीं पे टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है तो वन प्लस नाइन प्रो के फ्रंट कैमरा को मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वेयर एस वन प्लस एट प्रो में सिर्फ पोर्ट्रेट मोड को फिक्स करने की जरूरत है ये जो स्मज्ड एजेस देखने को मिली है इसे फिक्स करना चाहिए अगर मैं रेयर कैमरा की बात करूं तो वन प्लस नाइन प्रो में पोर्ट्रेट मोड को इम्प्रूव करने की जरूरत है कई बार बैकग्राउंड प्रॉपरली ब्लर नहीं हो पाता कई बार एजिस डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करता है वन प्लस नाइन प्रो और लो लाइट में नॉइस काफी ज्यादा थी तो यहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है फ्रेंकली स्पीकिंग वन प्लस एट प्रो से कैमरा कंपेयर करने के बाद मुझे वन प्लस नाइन प्रो के कैमरा में ऐसा सच कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं लगी और ये जो वन प्लस नाइन प्रो में हेजल ब्लैड है ना ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक लगा है और कुछ भी नहीं है तो अगर आपके पास ऑलरेडी वन प्लस एट प्रो है तो फोन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है और अगर फ्यूचर में सेल में आपको वन प्लस एट प्रो अच्छे प्राइस पे मिल जाए तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन यू गवे ग्रेट डे